तीन परिवारों पर छाया इस भूतिया बंगले का साया। सबकी बर्बादी का इस बंगले से क्या है कनेक्शन? एक एक करके कैसे बर्बाद हो गए ये सितारे? बंगले में रहने वाली आत्मा का क्या है पूरा सच? तीन सितारों की बर्बादी से इस बंगले का क्या है कनेक्शन? और एक एक करके कैसे बर्बाद हो गए ये तीन बड़े सितारे? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक मुंबई के स्थित बंगले में तीन बड़े सितारों को निगल लिया। मुंबई घूमने जाने वाले लोगों का एक क्रेज स्टार्स के बंगले देखने का भी होता है। शाहरुख खान का बंगला मन्नत, अमिताभ बच्चन का जलसा और प्रतिभा और सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट कुछ ऐसे ही बंगले हैं जिनके बाहर भीड़ जुटी रहती है। कुछ साल पहले ऐसा ही एक बंगला था आशीर्वाद, जिसमें राजेश खन्ना रहते थे। इस बंगले को स्थापित माना जाता था और इसके बाद भी इसमें तीन बड़े सेलिब्रिटीज रहे और बर्बाद हो गए। इसके बाद इस भूत बंगला मानने की मान्यता और पक्की हो गई। राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद का एक एंग्लो इंडियन फैमिली का था, जो कि बॉलीवुड के जिस सेलेब ने इस सबसे बड़े पहले खरीदा वो थे भारत भूषण। ये बंगला कार्टर रोड पर अरबेजियन सी के बगल में था। भारत भूषण इस बंगले में शिफ्ट होने के पहले भी कई बड़ी फिल्में जैसे बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया, बरसात की रात वगैरह दे चुके थे। उनका बड़ा स्टार से कंपटीशन था। इस बंगले में आने के कुछ दिन बाद उनकी फिल्में फ्लॉप हो गईं। कुछ और साल बीते, भारत भूषण का स्टारडम खत्म हो गया और वो कर्ज में डूब गए। भारत भूषण ने बंगला बेच दिया और लोग इसे श्रापित मानने लगे। धीरे धीरे बंगला खंडर बन गया। 1960 में राजेंद्र कुमार को इस बंगले के बारे में पता चला और अच्छी लोकेशन पर मिल रहा था और सस्ते में मिल रहा था, तो राजेंद्र कुमार ने इसे खरीद लिया। मनोज कुमार की सलाह पर इसका नाम डिम्पल रखा गया। ये राजेंद्र कुमार की बेटी का नाम था। राजेंद्र कुमार ने इसमें प्रवेश के साथ पूजा पाठ भी करवा दिया ताकि इसकी नेगेटिविटी खत्म की जा सके। बंगले में जाने के बाद राजेंद्र कुमार को 1968 से सफलता मिली और उसके बाद उनका भी बुरा समय आ गया। उन्होंने बेटे के साथ कई फिल्में प्रोड्यूस की जो फ्लॉप हो गई। आखिरकार उनके पास भी पैसे की तंगी हो गई और 70 के दशक में राजेंद्र कुमार से ये बंगला राजेश खन्ना ने खरीदा। वो उनके करियर का पीक टाइम चल रहा था, जब उन्होंने 17 हिट्स दी और उस वक्त वो नंबर 1 पे चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। 1975 में राजेश खन्ना की फिल्म असफल होने लगी और धीरे धीरे उनकी जगह पर अमिताभ बच्चन आ गए। फाइनेंशियली दिक्कतों के साथ राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें शुरू हो गईं। वो डिम्पल से अलग हो गए। राजेश खन्ना को कैंसर हो गया और फिर आखिर वक्त में साल 2011 तक वो उसी बंगले में रहे। इसके बाद लोगों का विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया कि ये बंगला श्रापित है। 2014 में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये बंगला खरीदा और 2 साल बाद इसको ढा दिया। इसके बाद इस बंगले की कहानी अभी तक सुर्खियों में है, लेकिन कोई नहीं जान पाया इस बंगले का सच। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।